नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राज्य को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। कल सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। कल ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। आज पर्यवेक्षकों के भी रायपुर पहुंचने की संभावना है। केंद्र के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा ने कहा है कि विधायकों से बात करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कल साफ हो सकता है। दरअसल बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होनी है। इसमें बीजेपी की ओर से नियुक्त किए गए तीन पर्यवेक्षक शामिल होंगे। पर्यवेक्षकों के कल सुबह रायपुर पहुंचने की उम्मीद है। विधायक दल की बैठक में शामिल होने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी आएंगे। पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा ने कहा कि विधायकों से बात करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। अभी जाएंगे, आजकल में जाएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम के लिए कई नामों पर चर्चा है। बहरहाल मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर विष्णुदेव साय ने कहा है कि मैंने सांसद, केंद्रीय मंत्री से लेकर संगठन के प्रमुख पदों पर अपने दायित्व को निभाया है। मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। पार्टी ने तीन पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्वानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी ये विधायकों की बैठक लेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ओपी चौधरी ने कहा कि वो एक मामूली सा छोटा कार्यकर्ता है, उनसे भी वरिष्ठ भाजपा में पहले से मौजूद है। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का अनुशासन है, उसके अनुसार संगठन के हमारे केंद्रीय नेतृत्व हमारा ऊपर से तय होगा और जब भी तय होगा सबको पता चल जाएगा। हमारा काम है, हम सब पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, करते रहे। बहरहाल मुख्यमंत्री के लिए तीन चार नाम चल रही हैं, लिहाजा पर्यवेक्षक विधायकों से वन टू वन चर्चा भी कर सकते हैं। इसके अलावा हाईकमान से अगर कोई नाम तय किया गया होगा तो पर्यवेक्षक उस नाम को भी विधायक दल में रख सकते हैं। पर्यवेक्षक बताएंगे किसे मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। फिलहाल बीजेपी विधायकों को बैठक में शामिल होने की सूचना भेज दी गई है। विधायकों से राय शुमारी के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हार पर हाहाकार मचा हुआ है। किसी भी नेता को पार्टी की हार हजम नहीं हो रही और वो अब खुलकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह के बाद अब एक और पूर्व विधायक मनेन्द्रगढ़ के नेता डॉक्टर विनय जायसवाल ने पार्टी नेता टीएस सिंहदेव का नाम लिए बगैर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में राजदरबारियों को टिकट दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रभारी सचिव पर उनसे रुपये लेने का भी आरोप लगा दिया। जब आप किसी टिकट का चयन करते हैं तो विनेबिलिटी होती है, लॉयलिटी होती है। तो लॉयलिटी तो आपकी राजदरबारी की थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि 70 साल से ज्यादा के आदमी को वहां और कोई युवा नहीं मिला क्या? वहां और कोई नेता नहीं थे क्या कि जिनका मतलब जिनको आप टिकट नहीं दे सकते थे? आप मनेन्द्रगढ़ की सीट हारे, आज वहां सरगुजा संभाग में एक सोशलिंग में कलार को टिकट देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी लगातार हरे व्यक्ति को वहां पर टिकट दी। श्याम ब्रिजेश वाला जो जीते हैं, आज पूरे के पूरे जो कलार समाज है वहां नाराज हुए, 98 वोट से स्वयं आप हार गए। क्या वहां पर 5000 कलार नहीं थे? आप स्वयं अपनी सीट भी हारे, मनेन्द्रगढ़ की भी सीट हारे, आप जगदलपुर की भी सीट हारे। आपने कभी पूरे मीडिया में पूरे 5 साल में आपने कभी भी सरकार के कामों का आपने बढ़ाई नहीं किया।
सरकार इतना अच्छा काम कर रही है किसानों के लिए, इसके लिए हमेशा हमेशा केवल ढाई ढाई साल की बात चली है और जनता के बीच में कहीं ना कहीं, पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। चंदन यादव की मैं बात कर रहा हूं कि 7 लाख रुपए मुझसे लिया। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं? गंभीर आरोप लगा रहा हूं। आपके बेबीलोन इंटरनेशनल में उसने पैसा लिया, जाके उसको वीडियो फुटेज जाके निकाल के देखें और किस उसमें जाके दिए हैं और जो सर्किट हाउस है वहां पर उन्होंने उससे पैसा लिया। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह को उनके बयानों के लिए नोटिस जारी किया गया है और उनसे 3 दिन में जवाब भी मांगा गया है। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गोंदू ने नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। आपको बताने कि बृहस्पत सिंह ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और राज्य के प्रभारी कुमारी शैलजा पर गंभीर आरोप लगाए थे। इधर नोटिस मिलने के बाद भी बृहस्पति सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। यही नोटिस यदि कांग्रेस ने कुछ लोगों को पहले दिया होता तो आज कांग्रेस को हार का सामना नहीं करना पड़ता। मैं डरता नहीं हूं, अपनी हाईकमान पर मुझे भरोसा है। गया बयान को लेकर तो क्या 3 दिनों में जवाब मांगा गया है? हाँ बिल्कुल, अगर मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, अगर इस तरह से इन्होंने नोटिस दे के और कार्रवाई करने की काब अगर विधानसभा चुनाव के 6 महीना 1 साल पहले शुरू कर दिया होता तो आज हमारी सरकार होती, इन्होंने बहुत विलम्ब कर दिया। माफी मांगेंगे? बिल्कुल कभी नहीं, बृहस्पत सच के सामने कभी झुकता नहीं, झूठे लोगों के सामने झुकता नहीं। सच अगर मुझे सबूत बता दे कि मैंने कहा गलत हूं तो जो मुझे फांसी देना हो मंजूर। इधर बृहस्पत सिंह के बयान पर अजय तिर्की ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक की दिमागी हालत ठीक नहीं है, कांग्रेस की हार के लिए बृहस्पत सिंह ही जिम्मेदार है। तिर्की ने कहा कि हार की वजह से इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। आपको बता दें रामानुजगंज से बृहस्पत सिंह की जगह अजय को टिकट मिला था। बयान आया है, जिस तरीके से बयान आया है मुझे लगता है कि बृहस्पति सिंह जी एक तो टिकट ना मिलना और दूसरा उनका सोचा हुआ काम पूरा ना होना, उसके कारण उनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ा ख़राब हो गई है। क्योंकि इतने सीनियर पर्सन पार्टी लेवल छोड़ दिया जाए तो वो भी एक पिता है, वो भी एक बच्चियों के पिता है और बेटों के पिता है। मुझे नहीं लगता कि किसी महिला के लिए या किसी पार्टी के सीनियर व्यक्ति के लिए इस तरीके का बयान देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मानसिक स्थिति वो खो चुके हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की भड़ास अभी कम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि दिल में बहुत कुछ है, पार्टी फोरम में बात कहूंगा। भगत ने कहा कि हार के लिए जो समीक्षा बैठक होगी उसमें बात कहूंगा। अमरजीत भगत ने कहा कि जीती हुई सरकार चली गई, हार के कई कारण तो है, सामूहिक समन्वय कहीं नहीं दिखा। हार के बाद हर पार्टी अपनी अपनी समीक्षा करती है, कहां हम सही थे, कहां हम गलत थे, कहां पर चूक हुई। उसमें शब्दों का सीमा रहना चाहिए, मर्यादा रहनी चाहिए। यह बात सत्य है कि सरगुजा और बस्तर जैसे ट्राइबल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, जिसके साथ जाता है उसकी सरकार बनती है और शायद हम लोग आदिवासी भाइयों को साधने में, आदिवासी समाज को साधने में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रहे, जिससे हमको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है तो बीजेपी भी कांग्रेस पर हमला करने से नहीं चूक रही। बीजेपी के महामंत्री और नारायणपुर विधायक केदार कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर करोड़ों की संपत्ति मिली, जिसमें करीब 200 करोड़ से ज्यादा कैश मिले। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस का वास्तविक चेहरा सामने आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का ऐसा ही खेल छत्तीसगढ़ में भी खेला गया। 6 दिसंबर दिन बुधवार को कांग्रेस के एक और नेता का चेहरा उजागर हुआ है। राज्यसभा के सांसद श्री धीरज साहू, जिसके निवास पर विप्रास संपत्ति पाई गई है और जो अभी तक जो उसमें रकम मिली है
वो लगभग 200 करोड़ की तो जब्ती हो गई है। वहां पर मशीन जो लगाई गई थी वो मशीन भी खराब हो गई, इतनी रकम वहां पर पाई गई। और जो धीरज साहू हैं, जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं और तीन तीन बार के सांसद हैं, झारखंड से रहने वाले हैं और इनके झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल अलग अलग ठिकानों पर 40 सदस्यीय टीम के माध्यम से ये छापा किया गया। इधर बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि जय और वीरू की जोड़ी कहाँ है। शोले में जय और वीरू में विश्वास था लेकिन कांग्रेस के जय वीरू में धोखा हो गया। जनता ने अब उन्हें आराम दे दिया है तो एक दूसरे का कपड़ा क्यों फाड़ रहे हैं। सरकार बनने से पहले बुलडोजर की कार्रवाई पर धर्मलाल कौशिक ने कहा कि अभी तो एक ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी। उधर टीएस सिंहदेव ने कहा कि जवाबदेही कार्यपालिका की है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें किसी के बोलने और कहने की बात नहीं। पीएम की गारंटी क्यों आवश्यकता है, वो नहीं रहेंगे तो क्या कार्रवाई नहीं होगी। सिंहदेव ने सोनिया गांधी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी, उन्होंने परिवार के रूप में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया है। कार्यपालिका की जवाबदारी है और निश्चित रूप से अगर कहीं कोई गलत देखा गया है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, उसमें कोई बोलने और कहने की बात तो है नहीं। पीएम अपनी गारंटी दे रहे हैं कि उनके गारंटी की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। पीएम बोर नहीं रहेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी क्या, कहीं कोई गलत पकड़ा जाता है इसके लिए किसी के गारंटी की क्या जरूरत है। जी आप जियो हजारों साल, यही दुआ हम सबकी है। और सोनिया जी ने बखूबी एक परिवार के रूप में देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया है, उन पर हमें गर्व है। आज उम्र के इस पड़ाव में हम सबकी मेरी असीम शुभकामनाएं उनके साथ। छत्तीसगढ़ में राज बदलने के बाद से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। राजधानी रायपुर से लेकर अलग अलग शहरों में बुलडोजर चल रहा है और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दुर्ग महासमुंद कोरिया में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। दुर्ग में जहां अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला तो वहीं महासमुंद, बागबाहरा और पिथौरा में भी बुलडोजर चला है और अवैध दुकानों को हटा दिया गया। तो वहीं कोरिया में अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन और पुलिस विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों और अतिक्रमणकारियों की बहस हो गई। नारायणपुर में बीजेपी नेता कोमल मांझी की हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने बीजेपी नेता कोमल मांझी की उस समय हत्या की जब वो पूजा करने गए थे। नक्सलियों ने धारदार हथियार से मारकर मांझी की हत्या की है। आपको बता दें पहले भी नक्सलियों की टारगेट पर थे कोमल मांझी और हत्या के बाद नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं। हत्या का ये मामला छोटे रोंगर थाना क्षेत्र का है। ASP हेमसागर सदार ने इस घटना की पुष्टि की। खबर सुकमा से है जहां 5 महिला समेत 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी जगरगुंडा इलाके में सक्रिय थे। सभी को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। इन सभी ने सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर कर दिया। इसमें CRPF और जिला बल का विशेष सहयोग भी रहा। हुगली इटौंदा से तंग आकर एवं जिला पुलिस सुकमा एवं CRPF के प्रयासों से आज हमारे समक्ष कुल 20 नक्सलियों ने, जिनमें 5 महिला नक्सली भी शामिल है, आत्मसमर्पण किया है। ये सभी जगरगुंडा क्षेत्र के रहने वाले हैं। नई सरकार बनते ही नक्सलियों के खिलाफ भी ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। DRG, जिला बल और CRPF ने अरमपल्ली इलाके में 1,00,000 के नामी नक्सली को गिरफ्तार किया। जवानों को आता देख वो छुपने की कोशिश कर रहा था लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ दिया। पूछताछ में उसने खुद को माडवी हडमा जनताना सरकार का अध्यक्ष बताया है, जिसके खिलाफ उलमपल्ली थाने में 1 दर्जन अपराध कायम है।
जिले के अंतर्गत पड़ने वाले थाना पुलमपल्ली से डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ एवं जिला बल का संयुक्त दल नक्सल अभियान के अंतर्गत ग्राम अलरमपल्ली की ओर रवाना हुआ था, जहां पे अलरमपल्ली के जंगलों में ही एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को गैरों से कम अपनों से ही ज्यादा खतरा है। रिपोर्ट में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में 1213 रेप पीड़िताएं ऐसी हैं जिन्हें दोस्त, परिचित, पड़ोसी, सहकर्मी, ऑनलाइन दोस्ती करने वाले फ्रेंड और रिश्तेदारों ने अपना शिकार बनाया। 97 पीड़िताएं ऐसी हैं जो रिश्तेदारों की जाति का शिकार हुई। 724 पीड़िताओं के साथ ऑनलाइन दोस्त, लिव इन पार्टनर या तलाकशुदा व्यक्ति ने रेप किया, तो 392 महिलाओं को पड़ोसी और फैमिली फ्रेंड ने अपनी हवस का शिकार बनाया। रिपोर्ट में बताया गया है कि 33 ही ऐसे मामले हैं जिसमें आरोपी अपरिचित निकला। बिलासपुर में 3 महीने गर्भवती महिला से उसके पति ने दहेज के लिए मारपीट की। शादी के 2 महीने के बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को सताना शुरू कर दिया था। तंग आकर महिला ने पति, सास ससुर और ननद के खिलाफ सीपत थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पति, सास ससुर और ननद को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। खबर कोंडा गांव से है, जहां पराली गांव के प्राथमिक स्कूल के 11 बच्चे अचानक बेहोश हो गए। घटना के बाद शिक्षकों और परिवार के लोगों ने एम्बुलेंस से जिला अस्पताल उसको ले गए और बच्चों को ले गए, जहां इलाज के बाद सभी बच्चे स्वस्थ हो गए हैं। स्कूल की टीचर ललिता कोराम ने बताया कि 4 दिन पहले भी स्कूल में बच्चे बेहोश हो गए थे, आज फिर अचानक 11 बच्चे बेहोश हो गए। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बघेल ने कहा कि 1-2 बच्चों में रक्त की कमी है जिन्हें दवाई दी गई, लेकिन एक ही समय एक साथ इतने बच्चों का बेहोश होना जांच का विषय है। प्रेयर वगैरह हुआ, व्यायाम हुआ, उसके बाद बैठे, फिर अचानक एक बच्चे बेहोश होते हुए जैसे 2-3-4 बच्चे बेहोश हो गए। फिर हम उनके गार्जियन को बुलाए, गार्जियन क्लास शनिवार का दिन रहता है, वहाँ के पूरे गांव वाले मंदिर है इकट्ठा होते, फिर वहाँ के मुखिया, पुजारी वगैरह सब आए, गांव वाले आए, तो उसके बाद फिर बच्चे लोग को देखे और फिर बच्चे लोग को पानी वगैरह करे तो बच्चे ठीक हो गए। जांच उपरांत ये है कि कोई भी बच्चे में ऐसा तो कोई लक्षण नहीं दिखा कि जिस कारण बेहोश हो गए, लेकिन कुछ बच्चों में खून की कमी ऐसा दिख रहा है, तो इसलिए उनके कुछ जांच आवश्यक जांच उनसे करवाई जा रही है। धमतरी से खबर है, जहां के डांगी माचा गांव में एक हिरण का बच्चा झुंड से बिछड़ गया और भटक कर गांव के करीब आ गया। हिरण के शावक पर गांव के कुत्तों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। घबराया हुआ शावक जान बचाने नजदीक के एक फार्म हाउस में पहुंच गया। फार्म हाउस के मालिक ने शावक को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और विभाग को सूचना दी। बाद में वन विभाग ने शावक का पशु चिकित्सक से इलाज करवाया। बताया जा रहा है कि अब शावक सुरक्षित है, ठीक है। वन विभाग शावक को सुरक्षित जंगल में छोड़ देगा। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को गैरों से कम अपनों से ज्यादा खतरा। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। 1213 पीड़िताओं से जान पहचान वालों ने किया रेप। अमरजीत भगत की भड़ास अभी नहीं हुई कम, कहा दिल में अभी बहुत कुछ है। अनुशासनहीनता पर कांग्रेस सख्त, पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह को दिया नोटिस। नोटिस पर बोले बृहस्पत, मैं अपने बयान पर कायम, कुछ लोगों को पहले मिला होता नोटिस तो हार नहीं होती। कल हो सकता है नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, पर्यवेक्षक अजय मुंडा बोले विधायकों से चर्चा के बाद जल्द होगा सीएम के नाम का ऐलान। कांग्रेस में हार के बाद हाहाकार, पूर्व विधायक मनोज जायसवाल ने टिकट के लिए पैसे मांगने के आरोप लगाए। हार के बाद कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला का बयान, कहा हार जीत लगी रहती है, अनुशासन जरूरी। बृहस्पत सिंह पर अजय तिर्की का बयान,
पूर्व विधायक की दिमागी हालत ठीक नहीं। कोंडागांव के प्राथमिक स्कूल में 11 बच्चे हुए बेहोश, इलाज के बाद हुई ठीक। राज बदलने के बाद लगातार गरज रहा है निगम का बुलडोजर। राणपुर में नक्सलियों ने की बीजेपी नेता कोमल मांझी की हत्या। सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, 20 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सुकमा में 1 लाख के नामी नक्सली गिरफ्तार, पोलमपल्ली क्षेत्र में था एक्टिव। पर्यावरण विभाग द्वारा दिए गए नोटिस के बाद हरकत में आया एनएमडीसी स्टील प्लांट, दूषित पानी को किया गया बंद। मुंगेली में पुलिस ने कसी अपराधियों पर नकेल, 30 से अधिक मामलों में 50 से अधिक गिरफ्तारियां। अंबिकापुर में दावत के दौरान विवाद, शराब भी युवक ने रिश्तेदार के घर को लगाई आग। उड़ीसा से पहुंचने वाले अवैध धान पर जिला प्रशासन की नजर, बनी टीम को सतर्क रहने के निर्देश। बिलासपुर में गर्भवती महिला से पति ने दहेज के लिए की मारपीट, महिला ने की शिकायत। सूरजपुर में हाथियों ने फिर मचा उत्पात, 4 मकानों को बनाया निशाना। कांकेर में रिहायशी इलाके में घुसा भालू, भालू देख लोगों में दहशत। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, नमस्कार।